चलो भाई 26/11। कहाँ जाएंगे सर आप? फरीदाबाद। अच्छा, फिर आप राइड कैंसिल कर दो सर। अरे यार, इतनी देर में तो तू आया टहलते टहलते, अब कह रहा राइड कैंसिल कर दो, पागल है क्या? आप राइड कैंसिल कर दो, मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगा। भाई मैं पहली बार फरीदाबाद जा रहा हूँ, मैं राइड कैंसिल नहीं करूंगा यार, और ओटीपी डाल के चलना। सर देखिए, फरीदाबाद से वापसी की कोई राइड मिलती नहीं है, और इतनी दूर जाके अगर हमारा कोई फायदा ना हो तो बताओ आप, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो यार फिर तूने राइड एक्सेप्ट करी क्यों है? अच्छा सर ये छोड़िए, आप ये बताइए बिल कितना दिखा रहा है? 550। तो आप ऐसा करो, मुझे 520 दे देना। भाई नहीं, मैं तो ऐसा करो आप 500 दे देना डिस्काउंट करके। अरे यार, अगर मुझे बिना बुक किए जाना होता तो मैं ऑटो से चला जाता ना यार, हाईवे पे चला जाता, वहां से कोई गाड़ी पकड़ लेता, वो मुझे छोड़ देती यार। सर अब वो जमाना रहा नहीं, पहली बात तो हाईवे पे कोई गाड़ी रोकता नहीं, और अगर किसी ने गाड़ी रोक ली और आपको बिठा लिया तो टाइम नहीं लगेगा आपके साथ फ्रॉड होने में। तू तो मुझे Z Plus की सिक्योरिटी दे रहा है ना अपनी कार में बिठा के, और मैं तुझ पे कैसे भरोसा कर लूं? हैं? बता, इतनी मिन्नत करके तो तू आया यार। सर देखिए, मैं चल तो रहा ही हूँ, लेकिन ऐसा करता हूँ मैं ड्यूटी ऑफ कर देता हूँ। ओ हेलो हेलो हेलो, यार ड्यूटी क्यों ऑफ कर रहा है यार? सर आप गरीब की मजबूरी समझिए, इतनी महंगाई का जमाना है, आदमी कमाएगा क्या और खाएगा क्या, आप तो समझदार है ना वैसे भी। यार भाई मैं पहली बार फरीदाबाद जा रहा हूँ भाई, ओटीपी डाल के चल यार, अगर तूने रास्ते में मेरे साथ कुछ कर दिया मेरे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं होगा। सर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अच्छा चलो आप एक बात बताओ, दिन रात मेहनत हम करते हैं, कैब हम चलाते हैं, पुलिस वालों से परेशान हम होते हैं, और पैसा किसको जाता है? कंपनी को। अब ये बात गलत है या नहीं? अरे तो मेरे भाई, कंपनी तुम्हें 10-12 राइड भी तो देती है दिन की। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आप मेरी बात मानो, आप राइड कैंसिल कर दो, मैं आपको टाइम से पहले पहुंचा दूंगा और पैसे भी कम पड़ेंगे ना आपको। मतलब तू ये कह रहा है कि कंपनी जो है वो तुम्हारे पैसे काट लेती है? बिल्कुल सर, एक नंबर के चोर हैं ये। क्या है? चोर हैं चोर। कौन? ये कंपनी वाले। बस यही तो सुनना चाहता था मैं। मतलब ये बेटा कि मैंने तेरी कर ली है वीडियो रिकॉर्डिंग, कंपनी चोर है, पैसे काट लेती। अब देख बेटा, ये सारी रिकॉर्डिंग ना सीधा जाएगी तेरी कैब कंपनी को। बहुत बन रहा है ना तू, पैसेंजर को परेशान करने का ठेका ले रखा है ना तुमने। अब तू देख, ये क्या बात हुई सर, एक तो मैं आपकी मदद कर रहा था और आप तो उल्टा मेरे पे। अरे घंटे की मदद कर रहा था तू मेरी, इतनी देर से बोल रहा हूँ ओटीपी डाल के चल, चल क्यों नहीं रहा? पीछे मुड़ के मत देख, गाड़ी स्लो मत कर, सीधा गाड़ी चलाता रहे चुपचाप। कभी रूट बदल देते हो, कभी राइड कैंसिल कर देते हो, और कभी कभी तो आते ही नहीं हो, पैसेंजर खड़ा खड़ा पागल हो जाता है। नहीं लेकिन नहीं यार, पीछे पीछे मुड़ के क्या देख रहे, क्या देख रहे पीछे मुड़ के, चुपचाप चलता रहा। भेजू रिकॉर्डिंग, भेजू, चल चुपचाप। कंपनी तुम्हें दिन की 10-12 राइड देती है तो चार्ज नहीं करेगी, फ्री की सर्विस देगी तुम्हें। और जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो ये बातें पता नहीं थी? जब इतनी दिक्कत थी तो मत करते ना काम। और पैसेंजर ना अपनी सेफ्टी के लिए ऐप से बुकिंग करता है, अगर मान ले रास्ते में कोई अनहोनी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, या तूने मेरे साथ कुछ कर दिया तो मैं किससे शिकायत करूंगा? और यार मेरी छोड़, अगर मान ले मैंने पीछे बैठकर तेरे पीठ पे चाकू रख दिया और तुझे लूट लिया तो तू किससे कंप्लेंट करेगा? सच में चाकू लेके चढ़ा है क्या ये? और ये जो ऐप में तेरी 3-स्टार रेटिंग दिखा रखी है ना, पता है क्यों दिखा रखी है? क्योंकि तू हर पैसेंजर के साथ ऐसी बहस करता होगा जैसे तूने मेरे साथ बहस करी है। फिर कहते हो कि 3-स्टार रेटिंग क्यों मिलती है हम लोगों को, पैसेंजर हमें 3-स्टार रेटिंग क्यों देते हैं, अभी क्यों नहीं देंगे जब ऐसा काम करोगे तो? हे भगवान, उतरेगा कभी? अच्छा खासा आदमी नहा धो के कैब में आके बैठता है कि अच्छे से यार रास्ता कटेगा, लेकिन तुम उसके मूड की माँ बहन एक कर देते हो। उतर जाना, बीच में उतर जा, चला जा कहीं और। सोचा था आराम से पीछे बैठ के 1 घंटे का रास्ता है, अपना ऑफिस का काम निपटा लूंगा शांति से, लेकिन नहीं, ठंडा तेल भी नहीं रखा आज तो कैब में, ठंडा तेल रख लेना चाहिए था। यहाँ तो यही डिसाइड नहीं हो रहा कि ओटीपी डालूं या नहीं डालूं। कहाँ से मिल गया ये नौटंकी? लाख कहने पर ओटीपी नहीं डाला तूने, 10 सेकंड की चीज को 50 मिनट से खींचे जा रहा है। अबे कुछ ढंग का काम कर ले जिंदगी में, ढंग का काम, वरना इन्हीं चक्करों में पड़ा रह जाएगा तू, समझा? अब गाड़ी क्यों रोक दी? सर फरीदाबाद आ गया। फरीदाबाद आ गया जी? बातों में रास्ते का तो पता ही नहीं चला। हाँ कितने दे दूँ? सर पैसे तो जो मर्जी दे देना, लेकिन सर वो जो वीडियो है ना वो मेरी आंखों के सामने डिलीट कर दो प्लीज। प्लीज सर, प्लीज डिलीट कर दो ना। अबे डिलीट तो तब करूंगा ना जब कोई रिकॉर्डिंग करी हो। अगर मैं तेरी रिकॉर्डिंग कर लेता और कंपनी को भेज देता तो क्या होता तेरे साथ? अबे नौकरी साथ दो बैठेगा तू अपनी, समझा? लेकिन एक बात ध्यान रखियो, हमेशा ओटीपी डाल के चला कर, इसमें तेरी भी सेफ्टी और पैसेंजर की भी सेफ्टी है। सॉरी सर। परेशान करना छोड़ दो पैसेंजर को, पैसेंजर को बहुत परेशानी होती है भाई। ले पकड़, 550 है, रख ले। 500 दे देना, 520 दे देना, डिस्काउंट चल रहा था है, फंस जाएगा किसी दिन, लंबा जाएगा।
भैया दिल्ली चलोगे? मेरे कोई राइड बुक नहीं हो रही यार, ऐप से मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, चल लो। नहीं भैया, बिना ऐप के नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए एक्स्ट्रा पैसे। अरे यार, ऐप से बुक हो रही होती तो मैं आपसे ऐसे थोड़ी चलने बोलता, चल लो यार प्लीज। अरे भैया, बिना ऐप के मैं गया, आगे जाके आपने मेरे गले पे चाकू रख दिया, इसका कोई जिम्मेदार होगा? मैं तो गया जान से। कहाँ यार चाकू वाकू बीच में ला रहा हूँ, ऐसा इंसान दिख रहा हूँ क्या? फ्री में थोड़ी जा रहा हूँ, पैसे दे तो रहा हूँ मैं आपको। अरे भैया मैं मना नहीं कर रहा हूँ ना, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। ऐप से बुक करो फिर मैं चलूंगा, बिना ऐप के मैं नहीं जाऊंगा। यार कहाँ फंस गया हूँ यार, मैं अजीब आदमी है यार, सब बोलते हैं कि ऐप से नहीं जाना, ऐप से नहीं जाना, ये कह रहा मुझे ऐप से जाना है। अभी अभी मरते मरते बचा, अब जिंदगी में बिना ऐप के ना जाऊँ मैं, खाने ऐट लूंगा आज के बाद से, कोई कहे बिना ऐप के चल लो, राम राम मैं नहीं जाऊँगा।